जय श्री राम। हर काम भगवान के नाम से शुरू करना चाहिए। अब हमारी कौन सी है थर्ड सेट ऑफ पैकिंग है, तो उसको करना है। तो हस्बैंड को भी सिखा देती हूँ कैसे करना। हमारे पास ये बड़े वाले पड़े हैं, ये नहीं पहले ये रखना, पहले वो रखना है। पहले मोटे सारे रख देते हैं, फिर ऊपर से सामान आ जाएगा, वरना ग्लास नीचे रख देना। चलो पहले थे जिसमें हम चीजें रख सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि किन चीजों के मेरे पास डब्बे हैं, वो मैं रखूं और कुछ नहीं। तो अब वो सारे डब्बे खोल के देख रहे हैं कि किसमें हमारे डब्बे हैं, क्योंकि उससे पैकिंग थोड़ी हमारी आसान हो जाएगी और खाली डिब्बे भी मिल जाएंगे। डिब्बे हैं वैसे ही पैक करना पड़ेगा, पर ये है कि प्लेटों के लिए मिल गया, तो प्लेटों के लिए चलते हैं। ये ले लो, ये ले चलो, ये है, ये है। और मैं इतनी अच्छी पैकर क्यों हूँ ये मत सोचना, मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ।
पर मैं वाकई बहुत अच्छी पैकर हूँ और ये मैंने सीखा अपने पापा से। मेरे पापा की पैकिंग जो होती है ना फैंटास्टिक होती है। तो ऑब्वियसली एयरफोर्स में आपको मूव करते रहना पड़ता है, कभी कहीं पोस्टिंग होती है कभी कहीं पोस्टिंग, तो पैकिंग का काम होता ही है। पर जनरली उसमें आपको मेरे ख्याल से हेल्प मिलती है, मेरे को तो याद भी नहीं है, पर मेरे पापा की जो पैकिंग होती है ना फैंटास्टिक होती है। जब भी मैं इंडिया से यूएसए आती थी और इतना सामान खरीदती थी, और टैची तो वही दो होंगे, तो इतनी अच्छी पैकिंग करते थे कि कोई चीज टूटेगी नहीं, और ऑलमोस्ट जितना भी तुम्हारा सामान हो वो सारा किसी ना किसी तरह से वो आपका फिट कर देंगे पापा। चाहे मैंने कितनी भी शॉपिंग की हो और मुझे लगे कि अभी घुसेगी नहीं, वो किसी ना किसी तरह ऑलमोस्ट सब चीजें डलवा देते थे। जबकि मम्मी कहती थी जितना तुमने सामान खरीदा है ना उसका आधा भी नहीं जाएगा बैग में, तो इतने अच्छे पैकर है। तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूं पर मैंने कुछ सीखा है, तो पैकिंग में मैं कहूंगी कि मैं काफी अच्छी हूं। और उसके मुकाबले हस्बैंड कैसे पैकिंग में अगर मैं ऊपर हूं तो वो सबसे नीचे होंगे, इसके मुकाबले में पैकिंग में उससे भी बढ़िया। अच्छा ये सब जो है सिंपल चीजें अपनी जी नहीं टेक्निक होती है कैसे करनी है, सिंपल टेक्निक होती है, उसमें ज्यादा ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हर कोई कर सकता है पैकिंग। अच्छा ये इसमें नहीं आएगा, चाहिए।
तो हम लोग इतने प्रोफेशनल मूवर्स हैं कि पहले यही डब्बे हम ऊपर लेके गए खाली, अब यही डब्बे हम नीचे लेके आ रहे हैं खाली, तो हमें डबल काम कर रहे हैं हम। जो हम डोनेट टाइप कर रहे हैं तो बीच बीच में लोग भी आ रहे हैं और आएंगे चीजें लेने के लिए, और जैसे जैसे वो आते जाएंगे आपको भी दिखाते जाएंगे कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है। तो काफी सारी चीजें हम डोनेट कर रहे हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव हो गया, फिर हमने वो बड़ा सोफा जो आपने देखा था जिसमें करते थे वो डोनेट हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है, सोफा है, फिर एक टो दो तीन टो बड़े बड़े टॉयज थे वो डोनेट हो रहे हैं। तो काफी सारा सामान है, बीच बीच में मैं जैसे जैसे होता जाएगा डालती जाऊंगी, आप देखते जाओ। Thank you.
फ्रेंड्स लास्ट शीशा पैक हो गया है, तो हमारी पैकिंग मैं कहूंगी 99.9% हो गई है। बस अब मूवर्स आएंगे और ये सारा सामान लेके जाएंगे, तो कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं, पर देखते हैं किस टाइप से होगा। बहुत हेक्टिक हो गया तो शायद ना शेयर कर पाएंगे, पर मेहनत बहुत ही पूरा जोर और शोर से हमने काम किया है, इतने बड़े घर का सामान हमने किया है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।